नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप भी रोजगार से जुड़े समाचार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे नए YouTube चैनल GOBPVT को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको रोजगार से जुड़ी हर दिन की टॉप 5 बड़ी खबरें मिलेंगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम की सुर्खियों की ओर। पूरी तरीके से अनलॉक हुआ बिहार। बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के प्रमोशन की तैयारी। बिहार के 84 लाख किसान जल्द से जल्द कर ले ये काम। ड्रोन ने बिहार पुलिस का काम किया आसान। ईशान किशन के गृह जिला में खूब बटी मिठाइयां। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पूरी तरीके से अनलॉक हुआ बिहार। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए बीते दिन बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य में कोरोना से संबंधित सभी प्रकार के प्रतिबंधों को 14 फरवरी से खत्म करने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से इस संबंध में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की आज समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। अब कोविड अनुकूल व्यवहार और निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी। जिला पदाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। अब कोविड 19 टीके से कोई भी नहीं रहेगा वंचित। बिहार में कोविड 19 टीकाकरण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 22 फरवरी को सभी पंचायतों में आम सभा आयोजित कर टीकाकरण किया जाना है। इसके पहले 14 से 19 फरवरी के बीच सभी वार्डों में वार्डवार आम सभा कर टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के सभी जिलों के DM और सिविल सर्जन को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की माने तो राज्य में विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों की कोरोना टीकाकरण करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में 15 से 18 साल के किशोरों और टीकों की दूसरी खुराक ले चुके हैं व्यक्तियों को 9 महीने या फिर 39 सप्ताह बाद बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के प्रमोशन की तैयारी। बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों की प्रोन्नति की तैयारी शुरू हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर सभी DG, ADG, IG और DIG को पत्र लिखकर 15 दिन के भीतर निरीक्षण और समकक्ष कोटि के पुलिस अफसरों की सर्विस बुक अपडेट कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उनकी वार्षिक गोपनीय चरित्रिक अभियुक्ति और आरोप की स्थिति को अपडेट भी करने के लिए तलब किया है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस निरीक्षक है और समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिका, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और आरोप की स्थिति की अपडेटेड रिपोर्ट नहीं होने से कार्मिक संबंधी मामलों के निपटारे में कठिनाई होती है। पंचायत में हर दिन बैठेंगे 3-3 विभागों के अधिकारी। बिहार के ग्रामीण वासियों को अब प्रखंडों का चक्कर नहीं लगाना होगा, क्योंकि उन्हें लोक सेवा केंद्रों के जरिए पंचायतों में ही जाति, आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र मिलने लगेंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वेल्ट्रॉन को नियुक्ति प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको लेकर पंचायतों के लिए एक एक लेखपाल और IT सहायक की नियुक्ति होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंचायती राज विभाग के एक साल के कामकाज का ब्यौरा देने के दौरान उन्होंने उक्त बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पंचायत सरकार को अप्रैल से जमीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है। बिहार में कम होने लगी ठंड। बिहार में ठंड का सितम अब लगातार कम हो रहा है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में सामान्य से कम चल रहा औसत तापमान रविवार सोमवार से बढ़ना शुरू हो जाएगा। दरअसल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की संभावनाएं काफी हद तक समाप्त हो गई है। सैद्धांतिक तौर पर बसंत का मौसम फरवरी प्रथम सप्ताह में ही शुरू हो गया था, लेकिन उसका अनुभव अभी तक नदारद रहा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ऐसी स्थिति में अब प्रदेश भर में बसंती मौसम महसूस होने लगेगा। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि रविवार की रात के बाद तापमान सामान्य की तरफ बढ़ने लगेगा। बिहार के 84 लाख किसान जल्द से जल्द कर ले ये काम। बिहार के 84 लाख किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर खासकर के उन लोगों के लिए और ज्यादा खास है जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि इस योजना के तहत किसानों को घर बैठे उनके बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार 2,000 रुपए 3 किश्त में किसानों के खाते में भेजती है। इस योजना का मकसद किसानों को आर्थिक तौर पर राहत पहुंचाना है, लेकिन अब किसानों को ध्यान में
एक काम जरूर रखना होगा, जिसके तहत इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को अब हर साल पेंशनधारियों की तरह लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना होगा। केंद्र सरकार ने यह नई व्यवस्था की है। हालांकि इसके लिए उन्हें चिकित्सक से लिखवाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए उन्हें सिर्फ संबंधित पोर्टल पर जाकर EKYC भरना होगा। 31 मार्च तक EKYC की प्रक्रिया पूरी कर देनी होगी, वरना आपका भुगतान नहीं होगा। IIT ने उद्योग विभाग के साथ किया MOU। बीते दिन उद्योग विभाग ने बियाडा के माध्यम से जीरो लैब के संचालन के लिए IIT पटना के इंक्यूबेशन सेंटर के साथ समझौता किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने राज्य के युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को उद्योग विभाग के साथ MOU किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विभाग ब्रजेश मल्होत्रा और निदेशक तकनीकी उद्योग विभाग पंकज दीक्षित भी मौजूद रहे। उद्योग भवन में स्थित जीरो लैब के जरिए IIT पटना के एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेस्टर्स के लिए जागरूकता सत्र, मास्टर क्लास, बूट कैंप, IP सुविधा, नेटवर्किंग इवेंट और अन्य सुविधाएं देंगी। इतना ही नहीं, ये स्टार्टअप से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं पर सूचना सहायता भी प्रदान करेगा। ड्रोन ने बिहार पुलिस का काम किया आसान। बिहार में कहने को शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन अभी भी कई ऐसी जानकारी निकल करके सामने आई है जिसमें शराबबंदी कानून का उल्लंघन किया गया है। यही कारण है कि बिहार सरकार जोर शोर से शराब तस्करों को पकड़ने में लगी हुई है, जिससे इन दिनों ड्रोन बिहार पुलिस के लिए बेहद ही कारगर साबित हो रहा है। हालांकि आलम कुछ ये है कि ड्रोन से शराब तस्करों की नींद उड़ गई है। लगातार नदियों के दियारे में छिपकर शराब का धंधा करने वाले सामने आ रहे हैं। राज्य के कई जिलों में अब ड्रोन की सहायता से पुलिस ऐसे शराब के धंधेबाजों को पकड़ रही है। इसी कड़ी में भागलपुर पुलिस ने भी ड्रोन की मदद से शराब तस्करों को पकड़ने का काम किया है। तिल द्वादशी पर तिलदान से मिलता है फल। आज यानी कि 13 फरवरी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी होती है। मान्यता है कि इस दिन तिल का सेवन, दान और हवन करने की प्रथा चलती आई है। पुराणों में द्वादशी तारीख पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान बताया गया है। नारद और स्कंद पुराण के मुताबिक माघ महीने की द्वादशी तारीख पर तिलदान करने का भी महत्व बताया गया है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया है कि इस बार द्वादशी और सूर्य संक्रांति एक ही दिन होने से भगवान विष्णु और सूर्य पूजा से मिलने वाला पुण्य और बढ़ जाएगा। ग्रंथों के मुताबिक माघ मास के शुक्ल पक्ष के 12वीं तारीख यानी द्वादशी के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इस दिन रविवार और पुनर्वास नक्षत्र भी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रविवार के देवता सूर्य और नक्षत्र के स्वामी आदित्य हैं, जो भगवान विष्णु और सूर्य से संबंधित है। जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर तंज। इन दिनों बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना पर चर्चा तेज है। जहां इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के मांग एक सुर हैं, वहीं भाजपा इस मांग के खिलाफ है, लेकिन विपक्ष बार बार इस मुद्दे को लेकर सरकार का ही घेराव कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जातीय जनगणना पर चुप क्यों है। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार नहीं कराएगी तो हम अपने खर्चे पर करवाएंगे। अब क्या हुआ? अब क्या सब ढोंग था? फिर बैठक करा लीजिए। अब कब होगी बैठक? के अधिवेशन में कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि जब कुंवारे थे तब बात चली थी कि बैठक होगी, ऑल पार्टी मीट होगी, मेरी शादी हो गई, हनीमून भी हो गया, अब तक बैठक नहीं हुई, सीएम क्यों खामोश है भाई। लाल यादव के राजद में सदस्य बनने का कोई फायदा नहीं। जहां एक तरफ बीते दिन से राजद की तरफ से सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, वहीं दूसरी तरफ इस अभियान को शुरू करने के साथ ही भाजपा ने तंज कसना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि राजद की जब से स्थापना हुई है तब से लालू यादव की इसके स्थापित राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसी स्थिति में किसी भी कार्यकर्ता के लिए परिवारवाद वाली पार्टी में सदस्यता लेना बेकार है। अब जब लालू यादव की सेहत खराब हो रही है तो इस पद को लेकर के चर्चा भी सिर्फ उनके परिवार में ही हो रही है। लालू यादव नहीं तो राबड़ी देवी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी, राबड़ी देवी नहीं तो उनके पुत्र तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। मनोज तिवारी होंगे खादी के ब्रांड एंबेसडर। भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी को बिहार में खादी का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है, जिसकी जानकारी उद्योग विभाग के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दी है। यानी कि साफ है कि अब भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी बिहार के खादी को प्रोत्साहित करने के लिए काम करेंगे। उद्योग विभाग को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एंबेसडर उन्हें चुना गया है। इसके तहत उद्योग विभाग ने उनको खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए भी यह काम किया है। शनिवार को बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से मुलाकात के बाद इस पर सहमति बनी है। इसको लेकर बीते दिन ही गांधी मैदान स्थित उद्योग भवन में बैठक के बाद उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के साथ मनोज तिवारी भी खादी मॉल गए और मॉल के सभी तलों का भ्रमण किया। विधायकों को सदन की मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे लोकसभा अध्यक्ष। कई बार सदन के दौरान विधायकों को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते देखा गया है। यही कारण है कि सदन में विधायकों को मर्यादा में रहने की पाठ अब पढ़ाया जाना है। इसको लेकर बिहार विधानसभा
की तरफ से 17 फरवरी को बिहार विधानमंडल के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रबोधन कार्यक्रम की सबसे बड़ी खास बात यही होगी कि इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहेंगे, जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक अभी कार्यक्रम की अवधि और संबोधन कार्यकर्ताओं की सूची को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए राजद ने रखी शर्त। बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए राजद अब जोर आजमाइश में लगी है। यही कारण है कि बीते दिन से राजद की तरफ से सदस्यता अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। इतना ही नहीं, इस अभियान के साथ ही लोकसभा और विधानसभा टिकट देने का भी एक विकल्प पेश किया गया है, जिसके तहत ये साफ कर दिया गया है कि जो ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएगा उसे ही लोकसभा और विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अभियान की कामयाबी के लिए लालू ने टोटका भी आजमाया, मछली भात खाकर शुरुआत की। तेजस्वी ने कहा कि राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है तो सबसे ज्यादा सदस्य भी होना चाहिए। ईशान किशन के गृह जिला में खूब बटी मिठाइयां। बीते दिन बिहार से निकले क्रिकेटर ईशान किशन की आईपीएल के मेगा ऑक्शन में सबसे ज्यादा महंगी बोली लगी। इस दौरान ही ईशान को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा। साथ ही ईशान किशन के घर के साथ ही उनके गांव में भी खुशी की लहर अब देखने को मिल रही है। ईशान किशन के घर पर खुशी का माहौल रहा। उनकी दादी ने कहा कि ईशान और भी बड़ा मुकाम हासिल करेगा। पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सावित्री शर्मा ईशान किशन की दादी हैं। जिले के तमाम लोग लगातार बधाई देने के लिए ईशान के घर पहुंच रहे हैं। जगह जगह पर लोगों के द्वारा मिठाई और पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईशान किशन आईपीएल 2022 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है स्टडी फील्ड, गोल्डन कुमार यादव, मिथुन कुमार पंडित, पवन यादव, शोभा कांत पाठक, शंकर मुखिया, नंदू कुमार, राजेश कुमार, अजीत कुमार, गजेंद्र सिंह, आशीष कुमार, सुशांत पटेल। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार क्या लालू प्रसाद यादव की राजनीति में वापस आने से राजद को फायदा मिलेगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।